Queremos agradecer a todos los vecinos que nos han facilitado para que nosotros podamos celebrar. Y जुलूस को आबाद किया, अल्लाह ताला आपके दिल को और आपके घर को आबाद कर दे। मिनहाजुल कुरान बेसिकली आप सबका घर है। आज आपने देखा होगा डिफरेंट कलर के लोग यहाँ पर मौजूद थे और आप ही की वजह से यह मुमकिन हुआ, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावत कबूल की। और पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने के लिए जब आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और खास तौर पर दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला हर साल हम सबको यूं ही इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे ये महफिलें मनाने की तौफीक अता फरमाए। Todos los vecinos que han podido ayudarnos y han colaborado para que esto sea posible, en especial a Olga, la regidora, que nos ha brindado todo el apoyo, todo lo necesario para poder realizar. Ernesto también y muchos más que han venido, Olga, Jesús, si no me equivoco, y felicidades por vuestro día, por vuestra celebración de lo que es importante para vuestra comunidad. Y la segunda cosa es gracias. Gracias por poder compartir este día con todos los vecinos. Como una entidad más de las que formamos parte. En este día lo que queremos es daros las gracias por la invitación y sobre todo felicitaros por el aniversario. हमारी सबसे बड़ी जानी पहचानी शख्सियत, जिनकी पहचान इल्म है, जिनकी पहचान किरदार है, जिनको देखने से सिर्फ मुआशरा याद आता है, जिनको देखने से इल्म याद आता है, काबिलियत याद आती है, मेरी मुराद मोहतरम इकबाल। मेरे प्यारे नबी, मैंने तुम्हें तमाम जान
जानने के लिए राम गुलाल ने हमें भेजा है। आज वही दिन है जब हमारे ऊपर राम बताई। कायनात की बात होती है तो कायनात में सिर्फ जमीन नहीं, जमीन तो शायद उसका एक बहुत सा छोटा हिस्सा है जिसे कायनात कहते हैं। रहमतुल आलमीन सारे जहानों के लिए अल्लाह ने भेजा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। Está bien. Eso para ti está bien. Para ti está bien.